मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से सयाजी द्वार देवास पर आयोजित किए जा रहे श्रीलीला समारोह का शुभारंभ श्री हनुमान लीला की प्रस्तुति से हुआ। आयोजन के पहले दिन रविवार की संध्या को श्री राम कथा के विशिष्ट चरित्रों पर आधारित श्री हनुमान लीला की प्रस्तुति दी गई। श्री चंद्र माधव बारिक के निर्देशन में श्री हनुमान लीला में भगवान हनुमान के जीवन के उपाख्यानों को 15 दृश्यों में प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर देवास विधायक गायत्री राजे पवार, देवीरपा अध्यक्ष राजेश यादव, निगम सभापति रवि जैन, महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, सीईओ जिला पंचायत हिमांशु प्रजापति, देवास एसडीएम बिहारी सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बड़ी संख्या में देवास की धर्म प्रेमी जनता ने इस श्री लीला समारोह का आनंद लिया। देवास में सयाजी द्वार पर आयोजित 3 दिवसीय श्री लीला समारोह में दूसरे दिन सोमवार को संध्या 7 बजे से भक्तिमती शबरी लीला की प्रस्तुति रूप कुमार बनवाले बालाघाट द्वारा दी जाएगी। आयोजन के तीसरे दिन मंगलवार को आकाश बरवड़े बैतुल द्वारा निषादराज गृहिया लीला की प्रस्तुति दी जाएगी। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और इसी का उत्सव हम लोग कई दिनों से मना रहे हैं। उसी की कड़ी में सरकार की तरफ से रामलीला का मंचन हो रहा है। संस्कृति विभाग की तरफ से आज इसका हमने शुभारंभ किया। अगले 2 दिन 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रोज 2 घंटे का मंचन रहेगा। सभी से आग्रह है देवास में कि आप पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। 35 लोग हैं जो रामलीला कर रहे हैं। पूरे देवास में, पूरे देश में उत्साह का माहौल है। 500 साल से जिस पल का इंतज़ार था हमारे देश में, उस पल को हम 22 तारीख को एहसास करने के लिए जा रहे हैं और श्री राम के मंदिर में विराजमान होने के उस दिन को हम लोग सभी से हृदय से मना भी रहे हैं और उसका उत्साह मना रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं 22 तारीख को अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पूरे देशव्यापी कार्यक्रम है। उसी के तारतम्य में जगह जगह पर श्री राम के संबंधित कल्चर को प्रमोट करने के लिए, जनता में आध्यात्म की भावना को और विकसित करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि देवास ज़िले में भी इस प्रकार की रामलीला का मंचन हो रहा है। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। आज उसका पहला पाठ हनुमान जी का उसका वर्णन था। इस प्रकार से कल और परसों 2 दिन और रामलीला का मंचन किया जाएगा। सभी देवास के सम्मानीय नागरिकों से निवेदन है कि भारी संख्या में यहाँ पधारें। बहुत ही उच्च कोटि की परफॉर्मेंस यहाँ पर की जा रही है। ये है संस्कृति विभाग भोपाल से हमारी पूरी टीम आई है। देवास में ही उनकी रुकने की व्यवस्था की गई है। लगभग 50 के आसपास आर्टिस्ट आए हैं और यहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।